नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। उधार दिया रुपया वापस मांगने पर दबंगों ने एक दुकानदार को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि दबंग से रुपया वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। पीड़ित ने कोतवाली पूरनपुर पुलिस को नामजद तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पैसे इन्हें मांगे तो वो बोले कि हम नहीं देंगे पैसा, जो फिर भी स्टूल डाले बैठे थे, पास वाले दुकान वाले से बातचीत कर रहे थे, उनने कोई ऐसी बात कही जो हंसने लगे सब लोग। अब वो आए, आए के पीछे से इन्हें गिरेमान पकड़ा, खींच लिया था, बच्चों को अपने बुला लिया, सात लोग थे, इन लोगों ने इतना मारा कि अपनी जान जिंदा नहीं छोड़ा। तो फिर ले गए इन्हें डॉक्टर के पास, तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई और सब कुछ करा। अब हमारी कोई सुन नहीं रही है कोई बात, न हमारा कोई एक्शन ले रही है, पुलिस कुछ कह ही नहीं रही है, बोल ही नहीं रही है। हमारे बहन स्कूल स्टूल डाल के बाहर बैठे थे और सब्जी वाले थे बाहर बैठे थे, हंसी की कुछ बात हुई तो ये हंसने लगे और हकीम जी आए, उन्हें सबको बुलाया और मारने लगे बिना पूछे, और उनकी लड़कियों के हाथ में कुछ लंबी सी धारदार कुछ छुरी थी, पता नहीं क्या था, और उनके लोहे के लकड़ी डंडे थे और लकड़ी थी, वो मारने लगे। मैं अपने घर से निकली तो देखा इब्ने के साथ में हकीम जी हाथापाई कर रहे हैं और सारे लोग अंदर से निकल गए। हकीम जी के यहाँ से सब लोग इब्ने को मारने लगे, हाथापाई ज़्यादा होने लगी जब, तो अब हम लोग भागे मोहल्ले की औरतें, इब्ने को छुटाया। जब इन लोगों ने नहीं छोड़ा, ठीक है, तो सारे मोहल्ले की औरतें वहाँ पर जमा हुई और उन लोगों ने उसे छुटाया। इब्ने अकेला था और इन लोग हाथ में सबके लाठी डंडे थे और एक धारदार कोई चीज़ थी जो इब्ने के सर पर मारी गई है, और हम लोग बीच बचाव करने में थे। जब हम लोग चीखने चलाने लगे तब आदमी इधर उधर से भागे। हाँ जी, हम लोगों ने तहरीर दी जब उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने मोहल्ले से गवाही दी तो मैं सबके गोली मार दूंगा। जी हाँ, हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। बड़े धूमधाम से निकली श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ महोत्सव की कलश यात्रा। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 14 मई से 20 मई तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव संत श्री राम मनोहर दास जी महाराज के श्री मुख से स्टेशन वाले नौलखी मंदिर में की जाएगी। श्री प्राण सिंह जी रघुवंशी, श्री खिलान सिंह जी, श्री विजय सिंह जी रघुवंशी भिद्वासन बालो द्वारा जन कल्याणार्थ जा रही है। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।